नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे कार्तिक मास उद्यापन की कथा। दोस्तों, यदि आपने पूरे कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य या फिर कार्तिक मास की कथा का श्रवण नहीं किया है, कार्तिक पूर्णिमा की कथा का भी श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो कार्तिक मास उद्यापन की कथा का श्रवण करने से आपको संपूर्ण महात्म सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज कार्तिक मास के अंतिम दिन अर्थात कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिक स्नान उद्यापन की कथा या फिर कार्तिक मास उद्यापन की कथा जरूर सुनिए। आइए कथा आरम्भ करती हूँ। नारद जी कहते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम तीन पुण्यमयी तिथियां आती हैं, वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई हैं। उन्हें अति पुण्यकारिणी संज्ञा दी गई है। वे सब पापों का नाश करने वाली। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान नहीं कर पाता है, वह इन्हीं तीन तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी होता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मघाती और शराबी आदि सब पापियों को शुद्ध कर देते हैं। जो गृहस्थ उक्त तीन तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है, वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के अंतिम तीन दिनों में गीता पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। जो उक्त तीन दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह जल से कमल के पत्तों की भांति पापों से कभी लिप्त नहीं होता। कार्तिक मास की अंतिम तीन तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है। उनमें भी पूर्णिमा का अत्यंत महत्व है। पूर्णिमा को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होने के बाद समस्त नित्य कर्मों की समाप्ति करके भगवान विष्णु जी का पूजन करें। बगीचे में अथवा घर पर भगवत भक्त पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बनाएं, उसे केले के खंभों से सुशोभित करें, उसमें आम के पल्लवों की बंधनवार लगाएं और ऊख के डंडे खड़े कर उस मंडप को सजावें। विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके उसमें भगवान विष्णु जी की पूजा करें। पवित्र, चतुर, शांत, ईर्ष्या रहित, साधु, दयालु, उत्तम वक्ता और श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुराणज्ञ विद्वान वहां बैठकर पवित्र कथा कहे। पौराणिक विद्वान जब व्यास आसन पर बैठ जाए, तब से लेकर उस प्रसंग की समाप्ति होने तक किसी को नमस्कार न करे। जहां दुष्ट मनुष्य भरे हुए हों, जो शूद्र और हिंसक प्राणियों से घिरा हुआ हो, अथवा जहां जुए का अड्डा हो, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष पुण्य कथा न कहें। जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त अन्य कार्यों की अभिलाषा न रखने वाले, मौन, पवित्र एवं चतुर हों, वे ही श्रोता पुण्य के भागी बनते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ति के तथा अधम भाव लेकर पवित्र कथा को सुनते हैं, उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। मास के अंत में गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण तथा धन के द्वारा भक्ति पूर्वक पौराणिक विद्वान का पूजन करें। जो मनुष्य कल्याणमयी पुराण कथा को सुनाते, वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो पौराणिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, चौकी अथवा पलंग देते हैं, जो पहनने के लिए वस्त्र देते हैं, वे ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। यह कार्तिक महात्म सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म को भक्ति पूर्वक पढ़ता है अथवा सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा विष्णु लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे मनुष्य को कभी भी इस महात्म को नहीं सुनना चाहिए। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए जिसमें 4 दरवाजे बने हों। उस मंडप में सुंदर वंदनवार लगाकर उसे पुष्प से, चमर से सुशोभित करे। चारों दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के 4 द्वारपाल, पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करे। उन सबका पूजन करे। तुलसी के मूल भाग में वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाए, जो 4 रंगों से रंजित होकर सुंदर, शोभा संपन्न और अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हो। सर्वतोभद्र के ऊपर पंचरत्न युक्त कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर नारियल का महान फल रखें। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्र कन्या लक्ष्मी जी के साथ शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले पीताम्बर धारी देवेश्वर श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। सर्वतोभद्र मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का भी पूजन करें। भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की, इसलिए इस समय भी उसी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। उस दिन शांत एवं शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देव देवेश्वर श्री विष्णु जी की सुवर्णमयी प्रतिमा का 16 उपचार द्वारा नाना प्रकार भक्ष, भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिए। रात्रि में गीता और वाद्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के समीप जागरण काल में भक्ति पूर्वक गान करते हैं,
वे 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त जागरण काल में गीत वाद्य करने वालों को सहस्त्र गोदान करने वालों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो रात्रि में वासुदेव के समक्ष जागरण करते समय भगवान विष्णु के चरित्रों का पाठ करता है उसे प्रतिदिन कोटि तीर्थों के सेवन के समान पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातः काल अपनी शक्ति के अनुसार 30 या एक सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित करें। उस दिन किया हुआ दान होम और जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। अतः व्रती पुरुष खीर आदि के द्वारा ब्राह्मण को भली भांति भोजन कराए, फिर यथाशक्ति दक्षिणा दे तथा उन्हें प्रणाम करे। इसके बाद भगवान विष्णु देवगण तथा तुलसी का पुनः पूजन करे, कपिला गाय की विधि पूर्वक पूजा करे और व्रत का उपदेश करने वाले सब पत्नीक आचार्य का भी वस्त्र तथा आभूषणों आदि के द्वारा पूजन करे। अंत में सब ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करे, विप्रवरों आप लोगों की कृपा से देवेश्वर भगवान विष्णु जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैंने गत 7 जन्मों में जो पाप किए हों वे सब पाप इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाए। प्रतिदिन भगवान के पूजन से मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हों तथा इस देह का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम को प्राप्त करूं। इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के पश्चात उन्हें विदा करें और गौ सहित भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा आचार्य को दान करें। तत्पश्चात भक्त पुरुष सुहृदों और गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक हो या माघ, उसके लिए ऐसी ही विधि बताई गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन करता है वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु जी की समीपता प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रतों तीर्थों और दानों से जो फल मिलता है वही इस कार्तिक व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से करोड़ गुना होकर मिलता है। जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होते हैं वे धन्य हैं, वे सदा पूज्य हैं तथा उन्हीं के यहाँ सब प्रकार के शुभ फलों का उदय होता है। देह में स्थित हुए पाप उस मनुष्य के भय से कांप उठते हैं और आपस में कहने लगते हैं, अरे यह तो कार्तिक व्रत करने लगा, अब हम कहाँ जाएंगे। जो कार्तिक व्रत के इस नियमों को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा वैष्णव पुरुष के आगे इनका वर्णन करता है वे दोनों ही उत्तम व्रत करने वाले फल प्राप्त करते हैं और उनका दर्शन करने से मनुष्यों का पाप नाश हो जाता है। नारद जी कहते हैं, राजन कार्तिक व्रत के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है क्योंकि तुलसी उनके लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी मानी गई है। जिनके घर में तुलसी का बगीचा लगा होता है वह घर तीर्थ के स्वरूप माना जाता है, वहां यमराज के दूत कभी नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को हरने वाला, पवित्र तथा मनोवांछित भोगों को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का वृक्ष लगाते हैं वे कभी यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी वन के पास रहना, ये तीनों एक समान माने गए हैं। रोपने से, रक्षा करने से, सींचने से तथा दर्शन करने और स्पर्श करने से तुलसी मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए समस्त पापों को भस्म कर डालती हैं। जो तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु जी और शिव जी की पूजा करता है वह कभी भी गर्भ में नहीं आता और निश्चय ही मोक्ष का भागी बनता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता ये सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। नृपश्रेष्ठ जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राणों का परित्याग करता है उसे श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। यह सत्य है, सत्य है। जो शरीर में तुलसी की मिट्टी लगाकर मृत्यु को प्राप्त होता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसकी ओर साक्षात यमराज नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का चंदन लगाता है उसके शरीर को पाप छू भी नहीं सकता। जहां जहां तुलसी वन की छाया हो वहीं पर श्राद्ध करना चाहिए क्योंकि वहां पितरों के निमित्त दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। नृपश्रेष्ठ जो आंवले की छाया में पिंडदान करता है उसके नरक में पड़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मस्तक पर, हाथ में, मुख में तथा शरीर के अन्य किसी भी अवयव में आंवले का फल धारण करता है उसे साक्षात श्रीहरि का स्वरूप समझना चाहिए। आंवला, तुलसी और द्वारका की मिट्टी अर्थात गोपी चंदन ये शरीर में स्थित हो तो वह मनुष्य सदा जीवन मुक्त कहलाता है। जो मनुष्य आंवले के फल तथा तुलसी दल से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है उसके लिए गंगा स्नान का फल बताया गया है। जो आंवले के पत्ते और फलों से देवता की पूजा करता है वह भांति भांति के सुवर्णमय पुष्पों से पूजा करने के बराबर फल प्राप्त करता है। कार्तिक में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित होते हैं उस समय समस्त तीर्थ, मुनि, देवता और यक्ष ये सभी आंवले के वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। जो द्वादशी को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह अत्यंत निंदित नरकों में पड़ता है। जो कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसका वर्ष भर का अन्न संसर्ग जनित दोष दूर हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करता है
उसके द्वारा सदा संपूर्ण क्षेत्रों में श्री विष्णु का पूजन संपन्न हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु की महिमा का पूरा पूरा वर्णन कर पाना असंभव है, उसी प्रकार आंवले और तुलसी के महात्म का वर्णन कर पाना असंभव है। जो आंवले और तुलसी की उत्पत्ति कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है और सुनाता है, वह पाप रहित होकर अपने पूर्वजों के साथ श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को जाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।